एक ऐसे नौजवान की कहानी बता रहा हूं जो पुलिस की नाकामी की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। यह घटना मध्य प्रदेश के बालाघाट की है, जहां एक नौजवान रहता था चंद्रेश मार्स पोले करके। पढ़ने लिखने में अच्छा था, गरीब परिवार से था, गौड़ जाति से आता था। आगे चल के डॉक्टर बनने का सपना पाला था, पढ़ाई लिखाई किया, मेडिकल का एग्जाम भी पास किया और उसका एडमिशन हो जाता है MBBS में भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में। एडमिशन होता है, पढ़ाई चालू होती है, इसी दौरान एक लड़की से उसकी दोस्ती होती है, लड़की का नाम श्रुति है। पढ़ाई चल रही थी, लगभग 3 साल बीत चुका था, लास्ट ईयर था, तभी अचानक एक घटना होती है। घटना ये होती है कि चंद्रेश के सीनियर डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर हेमंत वर्मा, डॉक्टर हेमंत वर्मा भोपाल के IG को एक लेटर लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि चंद्रेश ने हमारी कार मांगी थी, उसको होशंगाबाद जाना था। होशंगाबाद जाने के लिए चंद्रेश ने अपने सीनियर डॉक्टर हेमंत वर्मा की कार मांगी थी। हेमंत वर्मा ने कार ड्राइवर को भी जाने के लिए साथ में बोला। उन लोगों ने कार से गए, लेटर में लिख रहे हैं हेमंत वर्मा भोपाल IG को, जो उस टाइम भोपाल के IG थे, उनका नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव। शैलेंद्र श्रीवास्तव भोपाल IG को लेटर लिख रहे हैं चंद्रेश के सीनियर डॉक्टर हेमंत वर्मा, और उस लेटर में बता रहे हैं कि मैंने कार और अपने ड्राइवर को देख के मैं इंदौर चला गया, और इंदौर से जब रात में वापस आया तो ड्राइवर जो था हेमंत वर्मा का, वह इनको बताया। ड्राइवर का नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद ने अपने मालिक को बताया, डॉक्टर हेमंत वर्मा को, कि होशंगाबाद जाने के लिए चंद्रेश ने आपसे कार मांगा था, लेकिन वो होशंगाबाद न जा करके एक जगह है पंचवटी, उस रास्ते पर कार लेकर जाने के लिए बोला। और हमने कार लेकर गया तो कुछ दूर जाने के बाद, सुनसान इलाका में जाने के बाद, एक बहुत बड़ा नाला है पंचवटी में, वहां पर कार रुकवाता है और डिग्गी खोल के उसमें से बोरे में कुछ भारी चीज था, उसको उठाकर नाला में फेंक दिया। यह सब, और उसमें शायद लाश थी। यह डॉक्टर को बता, मतलब ड्राइवर बताता है, और डॉक्टर भोपाल IG को ये लेटर में बता रहे हैं। अब इस लेटर का भोपाल IG शैलेंद्र श्रीवास्तव ने संज्ञान लेते हैं और उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलता है, जिसके 3 दिन के बाद 20 अगस्त 2008 को हेमंत वर्मा ने लेटर लिखा था भोपाल IG को, और 23 अगस्त 2008 को पंचवटी के नाला में एक लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त चंद्रेश के गर्लफ्रेंड या दोस्त कहें श्रुति के रूप में होती है। अब यहां से पूरा मैटर क्लियर था। इस दौरान चंद्रेश छुट्टी पर अपने गांव बालाघाट लौट चुका था। भोपाल पुलिस वहां से चंद्रेश को गिरफ्तार करके लाती है और धीरे धीरे यह केस 1 साल चलता है। 1 साल चलने के बाद लोअर कोर्ट चंद्रेश को श्रुति के मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। आजीवन कारावास का सजा सुना देती है। अब चंद्रेश इस केस को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपील करता है, वहां से सुनवाई चालू होती है, और धीरे 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 करके 13 साल बीत जाता है। 13 साल बीतने के बाद मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने अभी इसी महीने 9 मई 2022 को एक निर्णय सुनाती है, और बहुत ही कम केस में ऐसा निर्णय कोई कोर्ट सुनाता है। उस कोर्ट के निर्णय में चंद्रेश को इस पूरे घटनाक्रम से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और कोर्ट ने चंद्रेश को जुर्माना के तौर पर झूठी केस में
13 साल जेल में बंद करने के एवज में, उसका पूरा करियर बर्बाद करने के एवज में, उसका लास्ट ईयर था, उसके बाद वह डॉक्टर बन जाता है, MBBS की पढ़ाई कर रहा था। ये सब को देखते हुए 42 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार को चंद्रेश को रिहा करने के साथ साथ मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सरकार से चंद्रेश को 42 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर देने का हुक्म सुनाती है। और इसी के साथ साथ उस टाइम जो भी जांच दल में अधिकारी थे, IG शैलेंद्र श्रीवास्तव और भी जितने भी जांच दल में पुलिस अधिकारी थे, उन लोगों को फटकार सुनाती है और कोर्ट का सवाल रहता है पुलिस वालों से कि इस पूरे जांच को घुमा फिरा के जानबूझकर चंद्रेश को फंसाया गया था। पहला था कोर्ट का जो लेटर में जो कोर्ट ने सवाल उठाया था, जो कार थी हेमंत वर्मा की, सीनियर डॉक्टर हेमंत वर्मा की, वह 15 दिन के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में क्यों लिया, और केवल हेमंत वर्मा के एक लेटर के आधार पर चंद्रेश को अरेस्ट करके जेल भेजना, यह भी एक सवालिया निशान था। और बहुत से ऐसा सबूत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मिला था, जिसकी वजह से देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने चंद्रेश को बाइज्जत बरी के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार को 42 लाख रुपया हर्जाना के तौर पर देने का निर्णय सुनाया। और अभी तक श्रुति मर्डर का कौन दोषी है उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, वो राज का राजी है।